यानी कि जितने मनुष्य हैं अगर ये यकीन करेंगे तो तेरा ईश्वर है, और अगर ये यकीन नहीं करते हैं तो तेरा ईश्वर कहीं नहीं है। देखो हवा है, मैंने कहा कि है, चल रही है, मैंने कहा जी चल रही है, कौन चला रहा है इसे, मैंने कहा जी पता नहीं कौन चला रहा है, अरे इसे चलाने वाला ही तो है जिसको ईश्वर बोलते हैं, अच्छा जी दिखाओ जी ईश्वर कहाँ है मिलवाओ, हर कैसे पागल हो और तुम्हें ईश्वर यहाँ आएंगे, अच्छा जिसने ईश्वर को देखा है उनसे भेंट करा दो जी, अरे कमाल कर रहे हो, अरे कोई तो होगा जिसने ईश्वर को देखा होगा, कैसी बात कर रहे हो कैसे पागल हो, ये पृथ्वी है ना, हाँ जी है, इसको किसने बनाया है, अच्छा उस बनाने वाले को दिखा दो जी, अरे कैसी कमाल कर रहे हो यार पृथ्वी बनाने वाले दिखा दो, हर बात पर ये कहते हो दिखा दो, अरे भाई कुछ तो दिखा दो मैं यकीन करूं, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो हर चीज में तर्क नहीं चलता, थोड़ी सी आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा, अभी आकाश है ना आकाश पूरा, हाँ जी है, अभी किसी ने तो बनाया होगा, हाँ जी वही ईश्वर है, अरे भाई बनाने वाले को दिखवा दो फिर वही, अरे भाई आप यकीन करो, यकीन देखने के चक्कर में मत पड़ो। ये उस बहस के अंतिम वाक्य हैं जो बहस मेरे से एक व्यक्ति ने की, उसने मुझे खूब कहा कि इसे बनाने वाला कोई है, इसका रचयिता कोई है, इसको जो बनाता है वो कोई शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, चमत्कारी है, मगर वो दिखा नहीं पाया। फिर वो बहुत ज्यादा मुझसे बहस करने लगा, मैं उसकी एक एक बात का जवाब देता रहा बड़ी शांति से, अंत में वो थक गया। थकने के बाद उसने कहा जी कि आप ये बताओ कि आप ईश्वर में यकीन करते हो या नहीं। मैंने उससे कहा कि अगर तेरा ईश्वर मेरे यकीन पर टिका हो तो तू सोच कि तेरा ईश्वर एक अदने से आदमी जिसको तू अदना सा आदमी बोलता है उसके यकीन पर टिका हुआ है, यानी कि जितने मनुष्य हैं अगर ये यकीन करेंगे तो तेरा ईश्वर है, और अगर ये यकीन नहीं करते हैं तो तेरा ईश्वर कहीं नहीं है, तो तेरे ईश्वर की मान्यता क्या है। उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं दरअसल ईश्वर को नहीं बता रहा, मैं जबरदस्ती इनको ये कह रहा हूं कि आप यकीन करो, आप यकीन करो, आप यकीन करो, आप यकीन करो, मैं इनसे कहता हूं कि पहले आप यकीन करो फिर ईश्वर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले ईश्वर आए फिर ये यकीन करें, जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ दिखा दो एक बार, मेरे सामने ला दो तो मैं यकीन कर लूंगा, बस यहां बात रखी थी। वो मुझे समझाने आया था और खुद समझ के चला गया, बाद में मिला तो बाद में उसने कहा जी कि वो बात मेरे दिमाग में आज तक भी है कि मैं यकीन दिला रहा था आपको, ऐसे ही मुझे किसी ने यकीन दिलाया था, और मैंने ये नहीं कहने की हिम्मत नहीं की कि हाँ क्या बोलते हैं तू सामने दिखा मुझे क्या है क्या नहीं है, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि अगर कोई चीज है तो वो सामने आनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो सामने आएगी ही नहीं, इतनी सी बात है। हम तो कभी भी ईश्वर को मान लेंगे जिस दिन आप दिखा दोगे उसी समय मान लेंगे, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप दिखा नहीं दोगे, क्योंकि फिर समय खराब है, और आपने देखा नहीं आप हमें यकीन दिलाते हो ये और भी ज्यादा खराब बात है, कम से कम आप ही देखाते और फिर यकीन दिलाते, थोड़ा तो अच्छा लगता कि चलो भाई ने देखा है हमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं हम भी दर्शन कर लेते, कोई दिखाए तो सही। धन्यवाद।